effortless show मैंने कभी नहीं देखा टीवी पे. पाजी, हाँ जी, आज आपको पता कौन आने वाला है? मैं जोशी तो हूं नहीं, मतलब खतरनाक कोई एटम बम फटने वाला लग रहा मुझे. पाजी आपको पता है दुनिया का हर लड़का ये कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, लेकिन जब वो सारे लड़के इकट्ठा होके कहें हाँ कि मेरी वाली नहीं ये वाली ज्यादा अच्छी है हाँ, तो समझ लो कि सामने वाली लड़की सुष्मिता सेन है. और आपको पता है पाजी, मैं ये सोच के बड़ा खुश हो रहा हूँ कि आज यहाँ पे आने वाली ओरिजिनल बंगाली ब्यूटी. भाजी मैं मतलब देखता हूँ उनको, तो मतलब देखते रह जाता हूँ, और मेरा कोई कसूर नहीं है. मतलब दुनिया के जितने भी मर्द हैं, जितने भी लड़के हैं, सबका यही हाल होता है. आज जब वो इस दरवाजे से अंदर आएंगी ना, मैं उनको बोल देने वाला हूँ दिल खोल के सब कुछ. मतलब मैं कितना प्यार करता हूँ, कितनी सुंदर लगती है मुझे, मैं आपको बता ही नहीं सकता भाजी. आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन एक्चुअली. मुझे तो लग रहा है तेरे दिल के टोटे टोटे होने वाले. पीछे आने दो भाजी, आज देखना. शर्मा जी, मतलब मुझे लगता था कि आप सामने से जितने ताने मारते पीठ पीछे प्यार भी उतना ही करते, लेकिन आज पहली बार पता चला कि आपको मैं सुंदर भी लगती हूँ. लाइक ओह माय गॉड, मुझे भी आज ही पता चला. आ गई बंगाली ब्यूटी. आपके हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? क्या ठंडे? वो मैं बच गया ना. बच गया मतलब? मतलब मैं फ्रिज में बैठा हुआ था. फ्रिज में क्यों बैठे थे? अरे वो बाबा जी एक हमारे, वो कहते कि ऐसे फ्रिज में आधा घंटा बैठो ना तो बीवी और प्यार करने लगती है, मतलब प्यार बढ़ जाता है मियां बीवी में. बकवास है. अरे बकवास नहीं कर रहा हूँ, बाबा ने सचमुच कहा है. कहते कि बीवी भी अगर फ्रिज में बैठ जाए ना एक डेढ़ घंटा तो प्यार बहुत ज्यादा बढ़ता है. लैला मजनू भी कहेंगे ये कैसा प्यार हुआ. ताने आपके बाबा शाबा पता नहीं कुछ बोलते हैं, मैं नहीं मानने वाली ये सब बातें. और यार इनको कैसे समझाऊं मैं? बाबा सच में ऐसा कहते हैं? हाँ कहते हैं कि इसे बैठ जाओ. बैठ गई. आपने एक बात नोटिस की पाजी? हाँ. इंडियन औरतें अपने पति का प्यार पाने के लिए फ्रिज में भी घुस जाती हैं. जो भी है पाजी, ये कल्चर सिर्फ हिंदुस्तान में देखने को मिलता है. जोरदार तालियां एक बार. पत्नियां अपने पतियों को पाने के लिए क्या क्या नहीं करती, लेकिन पति तो पति हैं. क्या करे पाजी, बीवी तो रोज रहती है. सुष्मिता सेन रोज रोज थोड़ी आएगी. अभी थोड़ा हो जाना चाहिए. अरे फोन आ रहा है लगता है. ओ माय गॉड, सुष्मिता सेन. हेलो. हाँ जी सुष्मिता, ये जी सुष. या आप एक काम करें, ये जो व्हाइट बिल्डिंग है ना, पॉश बिल्डिंग नजर आ रही है, हाँ उधर नहीं रुकना, वो हमें लाइक नहीं करते. हाँ इसके यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दीजिए आप. हाँ हाँ, ये नहीं लकीर नहीं खींची हुई, वो गली है थोड़ी तंग है, उसके अंदर आ जाइए आप. जी जी सीधा आते जाइए, सामने दीवार, उसको धक्का दे. वो दीवार नहीं एक्चुअली गेट है हमारा, हमने जानबूझ के दीवार जैसा बनाया हुआ ताकि किसी को पता ना चले. आप आ जाइए. आ गई. जोरदार तालियां सुष्मिता सेन के लिए. थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया. सुष्मिता कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ जाने मन, आप कैसे? इसका कभी राशन कार्ड ना बनाओ, उसको सीधा पासवर्ड मिल जाए तो आदमी ना बौखला जाता है. आप मतलब मुझे कितना अच्छा लगता है सुष्मिता है, नाम में देखिए कितनी मिठास है, ऐसा लग रहा है सुष्मिता कुछ मीठा खाने जैसी बात हो रही है. आप इतनी देर से क्यों आई पहले तो ये बताइए आप. सही बात तो ये है कि इस शो पर और आपके इस घर पर आने के लिए बड़ा इंतजार किया है मैंने. आई एम सो हैप्पी टू बी. मैं एक्चुअली वो बात नहीं कर रहा था, मैंने कहा मेरी लाइफ में इतना लेट क्यों आई हैं आप ऐसे. एक्चुअली क्योंकि ये मुझसे पूछ नहीं रहे हैं और मुझे बहुत शर्म आ रही कहते हुए, लेकिन जैसे ही मेरा जन्म हुआ, अस्पताल में निकलते ही सबसे पहले मैंने पूछा बिट्टू कहाँ है. ये आते आते टाइम लग गया, बट आई एम अ ह्यूज एडमायरर
of this wonderful man. And, thanks, and, Sush. Yeah, I know. And actually, I have heard you speak fabulous English. So, hum English mein baat kare ya Hindi mein chalega? These are just kind of bloody rumors. I don't believe. आपको पता भाजी गडरिया वाली कहानी सुनी आपने बचपन में? एक गडरिया था झूठ बोलता था गांव में, शेर आ गया सब गांव वाले भागे आते थे उसको मजा आता था तंग करने का। एक दिन सच में शेर आ गया तो कोई मान नहीं रहा था। मेरा हाल वही हुआ है। मैं सबको कहता हूँ कि मैं आपको बड़ा पसंद करता हूँ लेकिन मैं आपको दिल से बड़ा पसंद करता हूँ। मेरे को मतलब बहुत सही लगती है आप, मतलब दिल तोड़ना किसी के लिए खेल भी हो सकता है। अच्छा, दिल तोड़ना किसी के लिए खेल भी हो सकता है। प्यार सच्चा हो तो रब से मेल भी हो सकता है। बिजली के झटके जैसा हुस्न लेकर मत निकला करो ऐ हसीना, कमजोर दिल वालों का हार्ट फेल भी हो सकता है। क्या बात है, क्या मुझे बात अभी है तक जी? यकीन नहीं हो रहा कि सुष्मिता हमारे साथ खड़ी। कुछ ऐसा करो कि मुझे यकीन आ जाए। आई कांट बिलीव यू आर हियर। कह दूं क्या? ऐसा कुछ क्या? कह दूं? कह दो जी। कितने गोलू से मोलू से प्यारे से शुक्र कर तुझे गोल गप्पा नहीं कह दिया। आप ऐसे यकीन दिलाएंगे ना, दो तीन हफ्ते से पहले मानने वाला नहीं मैंने। मजा आ गया आज तो। जोरदार तालियां एक बार सुष्मिता सेन के लिए। अच्छा, आपको कभी हिचकियां नहीं आती थी? आपको पता हम लोग आपको कितना याद करते हैं। You didn't miss me? आप हाँ, see, आप करके क्यों कह रहे कि हम सब आपको इतना miss करते हैं? अगर आप इतना कहें कि मैं आपको बहुत miss करता हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। Exactly, मैं को प्यार से हम कहता हूँ तो थोड़ा हो जाता है। नहीं, हमें आपकी याद बहुत आती थी लेकिन आपने पहले बुलाया ही नहीं। जैसे ही आपने बुलाया हम हाजिर है। अरे वाह, आज तो मजा आने वाला भाजी। सुश, आपके जो फैंस हैं आपको लगातार देखना चाहते हैं स्क्रीन पे। एक बात बताइए, आप इतनी कम फिल्में क्यों करती हैं? मैं जिंदगी ज्यादा जीती हूँ। अरे वाह, अरे वाह। कहने का ये मतलब है कि फिल्में ये मेरा काम है, मेरा आर्ट है, मेरी जिंदगी का हिस्सा है लेकिन ये मेरी पूरी जिंदगी नहीं। तो मुझे बिजनेसेस में, ब्रांड्स में, मेरे बच्चों में, आप में बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। So, yeah. आपको पता भाजी एक चीज, जब सुष्मिता मिस यूनिवर्स बनी थी तो जैसे अनाउंस हुआ द विनर इज सुष्मिता सेन, तो सुष्मिता ने ऐसे किया, ओह माय गॉड, तो वो इतना ट्रेंड बन गया है सेम। मतलब इतना पॉपुलर हो गया ना लड़कियां, ये तो मिस यूनिवर्स बन के ऐसे किया था। आज की लड़कियां ना हर चीज पे करने लगी कि शायद वो भी सुष्मिता लगी। भैया टिंडे कैसे लगे? 22 रुपए किलो। ऐसा थोड़ी होता है। अरे जिनको सूट करता है उन्हीं को करता है। तो एक बार ना हम लाइव वो देखना चाहते भाजी। एक बार मैं अनाउंस करता हूँ, सपोज यहाँ पे मिस यूनिवर्स। अब हाँ, एक बार मेलो प्लीज। बड़ा मुश्किल होता है जी, बट यू ट्राई। हां, ओके, आपके लिए। एंड द विनर इज सुष्मिता सेन। मैं बहुत रोई थी उसके बाद। क्यों, ऐसे क्यों रोई थी? मैं बहुत इसलिए रोई थी क्योंकि जब मैं इंडिया से गई, निकली थी फिलीपींस मनीला के लिए, तो मुझे हर कोई ये आके कह रहा था कि इंडिया मिस यूनिवर्स कभी नहीं जीता है, तो अगर टॉप 10 या 15 में आ जाओ तो बहुत बड़ी बात है, बाइज्जत घर लौट आओगी, तो कोशिश करना कि फाइनल स्टेजेस तक जा सको। और मुझे ये बचपन से सिखाया गया था कपिल के जी, हार तो माननी नहीं चाहिए, कोशिश करने से पहले तो कभी नहीं माननी चाहिए। तो जब मैं वहां गई और मुझे वो मोमेंट अभी भी याद है कि मैं और आप मिस कोलंबिया हैं। तो मिस कोलंबिया और मिस इंडिया से खड़े हुए हैं दोनों हाथ पकड़ के, और वेरी नाइस हैंड्स। या आप बोल रही मिस कोलंबिया, मेरे को तो पता है अंदर से क्या हूं मैं। मैं मिस्टर कमीना हूं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अच्छा, आप और मिस कोलंबिया खड़ी हैं। हां, ऐसे थोड़ी ना खड़ी। अच्छा जी, बिट टू बिहेव योरसेल्फ। तो फिर क्या हुआ? हम यहां पे खड़े हुए और उन्होंने कहा द फर्स्ट रनर्स अप इज मिस कोलंबिया, व्हिच मींस, अब दुनिया में पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं लोग, सीधा विनर बोलना चाहिए ना। तो पहले उन्होंने कोलंबिया का नाम लिया तो मुझे लगा इतने पास आके भी नहीं जीते यार। और फिर जब उन्होंने बोला दैट मींस द विनर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इज इंडिया,
आई रिमेम्बर स्टैंडिंग देयर हॉरिफाइड, तो मैं ऐसे करके खड़ी तो हो गई बिकॉज मुझे यकीन नहीं हो रहा था. और दूसरे ही मोमेंट ये रियलाइज हुआ कि उस स्टेज पर, उस मंच पर वो मेरी जीत नहीं थी अकेले की, इंडिया पहली दफा जीत रहा था. आई वाज सच अ फीलिंग, सच अ फीलिंग, या इट वाज रियली अमेजिंग फीलिंग. मुझे याद है जब इनको एयरपोर्ट से लेके जाने लगे तो पूरी वो यू नो गाड़ी में कितने सारे लोग हाँ, और हाँ, सुष्मिता ऐसे हाथ हिला रही और मेरे जैसे छोरे नीचे देखे. मतलब मोमेंट ही अलग था, मैं था नहीं वहां पे, मेरे जैसे तो होते ही हर जगह. अरे नहीं, वहां पे लगे हुए थे. आप जैसा एक ही है बस. यस सुष्मिता, आप इंडिया की पहली मिस यूनिवर्स हैं. सो मिस यूनिवर्स का क्राउन जीतने के बाद जी आपने मतलब ऐसे कभी सोचा था कि ऐसे कॉम्बिनेट्स में आने का मौका मिलेगा? मैंने कहा ना आपसे, मैं तो दुनिया में आते ही सबसे पहले आपका नाम लिया था. मैंने तो आपको पता है जब शो शुरू हुआ था तो बीच बीच में बोलता था अच्छा अपनी क्रिएटिव टीम से कि है ना सुष्मिता को कब बुला रहे हैं, वो आती हैं, आएंगी, हमारा शो देखती होंगी. हाँ. तो सिद्धू भाई ने कहीं से सुन लिया, तो बीच बीच में निकलते रहते थे और सुना चल रहा है सुष्मिता कब आ रही है. तो मतलब हमें दिल से इंतजार था आपका, आज हमारा इंतजार पूरा हुआ. क्या बात है सिद्धू जी, प्यार तो सभी करते हैं जी, मगर क्या गलत है क्या सही ये किसको पता. देख ले सुष्मिता जिसको प्यार से, वाह वो बचेगा या नहीं ये किसको पता. आज तो 5-5 मिनट बाद गर्मा गर्म शेर निकल रहा है. वैसे भी पंजाब को हरा भरा प्रदेश कहा जाता है लेकिन आज तो ज्यादा हरियाली छाई पड़ी पंजाब में. पर आज बाजी देख लो आप, हम दोनों की आज फरमाइश पूरी हो गई, हमारे शो में फाइनली आई गई. आपकी तो फरमाइश पूरी हो गई, अब मेरी एक पूरी कर दीजिए. यस प्लीज एनीथिंग. मैंने आपको बाकी सबके लिए इतने सारे गाने गाते हुए देखा है, आज मेरे लिए भी कुछ गाइए ना. अभी लीजिए गाना, मेरा माइक कहाँ. यस प्लीज, दिस इज ओनली फॉर यू सुष. शादी हो गई है? नहीं नहीं ऐसे थोड़ी सी हुई, ज्यादा नहीं ऐसे. थोड़ी सी क्या होती है? थोड़ी सी मतलब ऐसे ही, थोड़ा ही मतलब. बहुत सुंदर है, किस्मत वाले हो आप. ऑलमोस्ट पॉलिथीन में डाल के दे देता हूँ, आप ले जाओ, ज्यादा सुंदर लग रही है. और तू बंदों ने पे क्या बड़ा नहीं है फॉर वंस. और इन्होंने मुझे फ्रिज में बंद कर दिया. इतना भड़क क्यों रही है? इनको आदत है बंदों ने की. आपको पता है ये बचपन में ना इनके पापा इनके तीनों चारों भाइयों को ना ऐसे वॉशिंग मशीन में डाल के चला देते, वैसे ही नहाती थी. तो इट्स नॉट अ बिग डील. शर्मा जी आप कॉमेडी के नाम पे इतना झूठ क्यों बोलते हैं? तो सच सुना दूं फिर? क्या सच? मैं सुनाऊं सच? ये जब छोटी थी ना तो ये कूलर में सोती थी, एयर कूलर में पानी होता ना उसमें, और इसका भाई तो जाके शौचालय के अंदर सोता था. कह रहा सुबह सुबह लाइन में कौन लगे, यहीं से दिन शुरू करेंगे. मैं बताऊं सारे सच. करने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ी सी तो शर्म रखिए. घर में एक जवान बीवी है फिर भी दूसरी लड़कियों के लिए गाना गाते रहते हैं. मेरे को पता नहीं इसकी किस्मत खराब है कि टाइमिंग खराब है. अपने आप को जवान तभी बोल दीजिए सच्ची में जवान लड़की आई होती. तू शर्म तो किया कर, तू जवान कहां से लग रही है? ये देख तो मैं सिर्फ उन्हीं के लिए गाना थोड़ी ना गा रहा हूं, तुम्हारे लिए तो गाया था. मेरे को रिस्पॉन्स ही नहीं दिया इसने. क्या गाना गाया था? लकड़ी पे काठी, काठी पे घोड़ा, मुझसे मैं पहली डांसी करूं पाजी. लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, व्हाट डू आई डू? इसकी दुम पे हथौड़ा मारा था तूने.
पिघलना जाओगी बाद में, तो बर्तनों में समेट के लेके जाना पड़ेगा, जा फटाफट अंदर। शट अप तू। आपको तो पता है इनकी एक बीवी है, तो आप इन्हें फुल रिस्पांस दे रही हैं। नहीं, ये तो मैं आपके लिए कर रही थी। देखिए, इनको अगर फ्लर्टिंग की आदत, सही तरह से फ्लर्टिंग करने की आदत हो, तो वो मेरे जाने के बाद आप ही के साथ करेंगे ना। हाँ, तो वैसे भी तुम्हारे लिए कर रहा था। गुड लुकिंग लड़के का दिल तोड़ने का जी नहीं करता। पागल, तुम्हारे लिए सीख रहा था, कसम से मैं प्यार करता हूँ। मैंने अभी तेरे आने से पहले भी यही कहा, तुम्हारी इजाजत हो तो हम करते रहे फ्लर्ट, इट्स गुड फॉर यू। हाँ, आप सच में मुझसे प्यार करते हैं? अरे नहीं यकीन तो सुष्मिता से पूछ लो, मैंने अभी उनको भी कहा कि आई लव यू। I love you too. इससे पहले 5-4 निकलो चलो। आप लोग फिर बैठो, मैं अपना हुलिया ठीक करके आती हूँ। क्या फायदा, दिखेगी तू ऐसी। Shut up! क्या बात में सुष्मिता। सुष्मिता, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप भी बंगाल से हैं, मेरी बीवी भी बंगाल से जी, फिर इसकी दही में मिष्टी कम क्यों है? इसका मतलब वो फ्लेवर क्यों नहीं आता? आपको पता है सिद्धू भाजी, मैं हूं ना, देखी आपने जिसमें सुष एक टीचर का रोल प्ले कर रही है, मतलब ऐसी टीचर मुझे नहीं पता कहां पे पाई जाती है, ये सिर्फ यही है। पर हमारे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि ऐसी टीचर हो, मतलब ऐसी टीचर हो तो रोज आदमी स्कूल जाए, अभी दोबारा एडमिशन लेने को दिल करता है। तो हमारी जैसी टीचर थी ना, हमें कभी हुआ ही नहीं, कभी फीलिंग आई नहीं, ऐसे अपना स्वेटर बुनती रहती थी, हमें कहती तू जाके मुर्गा बन जाओ, सारा साल मुर्गे बनाती रहती हमें, कसम से सारा साल हम मुर्गे बने रहते थे, हमारा कुछ बने ना बने उनका स्वेटर बन जाता था। खैर पाजी, वो तो थी फिल्म की बात, अगर मैं सोचता हूँ कि रियल लाइफ में ऐसी टीचर हूँ तो क्लास का माहौल कैसा हो जाए? ऐसा कोई है जो सुष्मिता का स्टूडेंट बनना चाहता है यहाँ पे? हैं? ये सच्ची बनना चाहते हैं? स्टूडेंट बनना चाहते हैं? आइए। अच्छा? ये मतलब आपको बड़ा चाहते हैं लोग, आपको पता भी नहीं चलता, मतलब ये देखिए, आप सोचिए सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद ये बीच वाले स्टूडेंट बनने आ रहे हैं, तो देखिए आपको कितना प्यार करते होंगे। जी चलो, हम आपके स्टूडेंट, मैं भी आपका स्टूडेंट। आप भी? हाँ, आप हमें कुछ सिखाइए। आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? डैडी। तो इसलिए अब मैं चलती हूँ, आपके साथ डैडी है ना? नहीं, सच्ची में ये सारे स्टूडेंट बनना चाहते हैं आपके। जरूर बनना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम आपकी टीचर बनेंगे तो कैरेक्टर के हिसाब से दुपट्टा है किसी के पास? ये, थैंक यू जी। अरे लाल, वो भी परफेक्ट लाल, छड़ी मैदान खड़ी। दुपट्टा, बिना दुपट्टे के देख के तो हम स्टूडेंट बनना चाहते हैं। या नी डाउन एंड कैन आई हैव सम म्यूजिक प्लीज? ये मैं सिखा रही हूँ आपको, रेडी? भाई भागना नहीं, दौड़नी हो रही है, आराम से घुटने टेको। आप जब बैठेंगे तो हाथ दोनों डायरेक्शंस में खुले होने चाहिए। अच्छा, ऐसे। लेसन नंबर वन, ओके, हाथ दोनों तरफ, फिर से प्लीज। नॉर्थ, यस, दैट्स वेरी गुड। ईस्ट एंड वेस्ट, वेरी गुड। यार अब हर साल यही टीचर हो। सिर्फ सामने की तरफ, सारे सब्जेक्ट यही पढ़ाएं, चाहे फेल करवा दें। और जैसे ही हम गुजरे तो वो कैसे गिर गए? आप लोग क्यों नहीं गिरे? नहीं, आप जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी, मुझे इतनी तीखी दुपट्टा फट जाता था। ये काली शर्ट वाले लोगों के सुष्मिता जी को देख के होश उड़ते हैं, तुम्हारे बाल उड़ गए हैं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, सुष्मिता प्लीज यहाँ पे। शर्मा जी, थैंक यू। शर्मा जी, सुष्मिता आ गई है? नहीं नहीं, 5 दिन बाद आएंगी। चलो कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ। पापा जी, कोई फायदा नहीं, सुना नहीं, जिंदगी 4 दिन की है, आपके तो वैसे भी 3.5 निकल चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, दिन निकल गए, रातें तो अभी भी बाकी है।
शर्मा जी, सुष्मिता तो वो सोफे पर बैठी हुई है। आपको कैसे नजर आ गया बुड्ढन जी, आपकी तो दूर की नजर खराब थी। दूर की नजर तो मेरी ठीक है, बस पास की नीयत थोड़ी सी खराब है। मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। आए सुष्मिता, आए तेरा घोड़ी चढ़ जाना। हेलो जी, नहीं 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 नहीं। सुष्मिता की स्माइल कितनी अच्छी है। वैसे भी ना मुझे जो बंगाली लड़कियां है ना, वो मुझे बड़ी क्यूट लगती हैं। देखो सुष्मिता जी, मैं ना इधर मिस्टर यूनिवर्स में ना पार्ट लेने जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने तैयारी की है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम चेक कर लो मेरी तैयारी ठीक है के नहीं। आपको कोई एतराज है? नहीं जी, चड्डा जी मैं बैठ जाऊँ? बैठो बैठो बैठो, अब एतराज है कोई? नहीं। सुष्मिता जी, हाँ जी, अब आप मुझसे सवाल पूछे, मैं उसका जवाब दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर राउंड की मैंने पूरी तैयारी की है। ठीक है अंकल जी। देखो अंकल, मैं बिट्टू शर्मा गाऊं, तुम मुझे प्यार से मैंगो गाओ। मैंगो मैंगो मैंगो, चूसा हुआ मैंगो, मैंगो नाम इनका, मुंगेरी ला लो मैंगो। वाह। अच्छा तो जी, आप अगर मिस्टर यूनिवर्स जीत गए, हाँ जी, तो आप एक साल के अंदर, हाँ जी, अमन और शांति के लिए क्या क्या करेंगे? देखो जी, इस उम्र में दोनों में से कोई एक भी आ जाए तो बल्ले बल्ले है। फर्क नहीं समझता हूँ। नहीं, 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 ये बहुत जुड़े हैं, नहीं फर्क समझते ना। हमेशा लड़कियों को मिलने आते हो, कभी सिद्धू पाजी को मिलने आए यहाँ पे? टॉपिक चेंज। नहीं नहीं जी, ऐसा है कि मैं लड़का लड़की वाली बात नहीं कर रही थी, मैं लोगों में प्यार बढ़ाने की बात कर रही थी। और लोगों को छोड़ो, ये अपनी बात करो, क्योंकि हम अपने से शुरू होंगे तो लोगों तक पहुंचेंगे। क्या बात, जीत गए। ए अंकल, इतना फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा तेज करके स्टीरियो लगा दो तो दौरे पड़ने लगते हैं इनको। इधर आगे छेड़ रहे हैं। और इनके साथ क्या प्यार की बात कर रही हैं आप? आपको पता, पूरे मोहल्ले में इन्हीं की वजह से लड़ाइयां होती हैं, हर घर में तांगजांग करते हैं ये। देखो जी, आप मेरे सेक्रेटरी हो, जो सारी बातें मेरी इनको बता रहे हो। खैर सुष्मिता जी, सवाल जवाब बड़े हो गए। मैं आपको ये बता दूं कि मैंने स्विम सूट राउंड की भी पूरी प्रैक्टिस की है। अरे वाह, तैयार भी लेते हैं आप जी? Really? हाँ जी। नहीं जी, तैर लेते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल जी, मैं पूरे 2 मिनट तैर लेता हूँ। हाँ तो वो तो बाद में थकोगे 2 मिनट के बाद। नहीं थकता नहीं, बाद में मैं डूब जाता हूँ। तू सीक्रेट हो चाचा जी। नहीं यकीन आता तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ मेरी तैयारी जो। अंकल जी, नहीं 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 मैंगो जी, ऐसा मत कीजिए। जगल जी, कमेरा का अंकल जी का लगता ये स्विम सूट है? बिल्कुल स्विम सूट है, ये देखो ऊपर से स्विम सूट है, नीचे मैंने लाइफ जैकेट पहनी हुई है। लाइफ जैकेट कैसे? इसको यहाँ से बांध लो और अंदर हवा भरतो तो बंदा डूबता नहीं है। हाँ जी, आप बताइए सुष्मिता जी, 10 में से कितने नंबर देंगी आप? जी मेरे ख्याल से 10/10। 10/10? हाँ, और इससे पहले कि हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और पता चले कि आप बखूबी सारी चीजें कर सकते हैं कि नहीं। एक तो स्विम सूट कॉम्पिटिशन हो गया, एक रैंप पे भी चलना होता है शो पे। देखो जी, इस राउंड की रिहर्सल सबसे ज्यादा की थी मैंने, मैं अभी कैटवॉक करके बताता हूँ। हाँ जी, प्ले द म्यूजिक भाई।
अंकल जी गाड़ी में तेल कम हो ना तो लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाना चाहिए, बैठो आराम से इधर करेंगे कि ये कैटवॉक किया आपने? मेरा फोन आ रहा है। हमें तो कहीं सुनाई नहीं दिया, कहाँ आ रहा है? आपको सुनाई नहीं दिया? ना, कभी सुनाई भी नहीं देता हमें तो। आज फिर कंफर्म हो गया है कि आपके कान ही खराब है। हेलो कपड़े लेके जा, हेलो मेरे कपड़े आया यार आया, अभी कितना बजोगे? ये धोती मुंह पे पहन, नंगी चक्की से लग। हेलो बेटा गर करके रख दिया, मिस यूनिवर्स यहाँ पे खुद मौजूद है और हम लोग इनकी कैटवॉक देख रहे हैं, एक बार तो बनता है एक राउंड, एक राउंड तो बनता है कैटवॉक आपके लिए तो कुछ भी। वैसे भी मैं सिद्धू जी तक जाने की बस एक छोटी सी वजह ढूंढ रही थी, आपने दे दी। आए बाहर आई, लास्ट तक ना जाना आप, थोड़ा दूर। प्लीज प्ले द ट्रैक। आपने तो कहा था सिर्फ सिद्धू जी तक जाएंगे, ये ऊपर चढ़ के ऐसे करने वाली बात तो ही नहीं थी। डील उतने पास आके उनसे गले तो मिलना बनता था। खुदा ने जब फुर्सत में तुझे बनाया होगा। अच्छा खुदा ने फुर्सत में जब तुझे बनाया होगा, एक सुरूर सा उसके दिल पे छाया होगा। अच्छा जी, आंखों में समंदर, अदाओं में पूरी कायनात के नजारे भर के, सच कहता हूं तुझे धरती पे भेजने से पहले खुदा का भी ईमान डगमगाया होगा। थैंक यू सिद्धू। नॉर्मली एक आधी बोलते हैं, आज चार हो गए। अच्छा जी, ईमान डगमगा रहा आज। चलिए बनता है भाजी, आपका बनता है। आपने देखा यहाँ पे हमारे चड्डा साहब हो गए या कोई भी हो गए, सबका दिलों का हाल क्या हुआ पड़ा है। वैसे ही कुछ आपके चाहने वाले जो हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब आप उनसे मुखातिब हों, वन टू वन। जी आप लोग एक एक करके सुष्मिता से बात कर सकते हैं। पहले कौन आ रहा है? पिंकी टिपू। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते सिद्धू सर, हेलो कपिल सर, हेलो मैम। हाय स्वीटा। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू प्रिटी। अल्ले मेरी जान, थैंक यू सो मच। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज निधि, आई एम फ्रॉम मुंबई ओनली। Hi Nidhi. Yeah. So my question to you is, after आपने Miss Universe का टाइटल जीता, अगली सुबह आपकी क्या फीलिंग्स थी? मुझे जो याद है अभी भी इज मैं एक बहुत ही बड़े फोर पोस्टर बेड पर क्राउन सर पे लेके कूद रही थी और कंटिन्यूसली कूद रही थी, क्योंकि वो लोग सब नॉक किए जाए, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम हो रहा है, जस्ट कमिंग और वो हाथ में पकड़ के, और मेरी मम्मा बिस्तर के इस कोने से उस कोने तक ऐसे करके खड़ी थी कि कब अभी गिर जाएगी लड़की कहीं पर। और जब 18 साल की बच्ची के सर पे इतना बड़ा ताज पहना दिया जाए और अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, तो आई थिंक छत से कूद जाना चाहिए, मैं तो सिर्फ बिस्तर पे कूद रही थी। अमेजिंग फीलिंग, अमेजिंग। चलिए थैंक यू, शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू, थैंक्स जी। और कोई हमारे दोस्त? जी हाय कपिल जी। हाय। हाय सुष्मिता जी। हाय। माय नेम विशाल फ्रॉम बोरीवली। विशाल? या। हाय विशाल। मैंने अक्सर आपकी फिल्म देखी है। हाय। इसमें आपकी हाइट इतनी लंबी है कि आपके को स्टार से भी लंबी है, तो आपको अक्सर सैंडल उतारना पड़ता है कि एक्टर को टेबल पे खड़ा रहना पड़ता है? डिपेंड करता है कि एक्टर बड़ा है या एक्ट्रेस। एक्ट्रेस बड़ी होती है तो हीरो को पाटले पे खड़ा होना पड़ता है, एक्टर बड़ा होता है तो हम घुटनों पे झुक के बातें करते हैं। नहीं ऐसा कभी हुआ सीरियसली किसी एक्टर ने ऐसे रखा हो? मतलब नाम तो बताएंगे नहीं आप, अगर हुआ भी हुआ तो ऐसे ही? नहीं मैंने तो इनफैक्ट मेरी तो एक फिल्म भी थी पैसा वसूल, जिसमें वी हैव मेड फन ऑफ दिस, के पहले जब मेनी इयर्स अगो जब इंडस्ट्री में
लंबी एक्ट्रेसेस होती थी तो वो गड्ढा खोदा जाता था कि जब कैमरा पैन किया जाएगा इन अ राउंड ट्रॉली तो हीरो हमेशा पर्सपेक्टिव में ऊंचा दिखेगा और हीरोइन हमेशा तो नाच भी गड्ढे के अंदर रहे. बट आजकल ये ट्रेंड बिल्कुल नहीं है. इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे एक ऐसा एक्टर मिला जो कि है सलमान खान. उन्होंने मुझे हमेशा कहा है बीवी नंबर वन के टाइम से कि सुश जूते पहनना भूल गई तुम. तो मैंने कहा नहीं पहन के आई हूँ. डेविड ने बोला है फ्लैट्स पहनना. सो ही सेड नहीं यू कैरी योर हाइट आई विल कैरी माइन. यू वांट टू वेयर हील यू गो वेयर इट. तो अगर औरत हाइट में लंबी भी हो तो क्या हुआ, आप नजरें उठा के बात करेंगे वो सर झुका के सुनेगी. ब्यूटीफुल. हर लाइन अच्छी लगती है आपके मुंह से. मतलब आप कुछ भी बोले ना तो आप ये भी बोल देंगे ना कि प्याज कल से 20 रुपए किलो सस्ते हैं. वो भी इतना रोमांस आता है ना उसमें. मतलब आपके जो अपने छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं ना जैसे अब बोलो मेरी जान, ये मतलब ना. हाँ ये आदत है मुझे. हर कोई जान डार्लिंग स्वीट हार्ट जाने मन ऐसे बन अपनाने से कोई भी अपना हो जाता है. जी ओ और कोई हमारा दोस्त. ओ सॉरी. नहीं नहीं आप ये गड्ढा आ गया था. आपने ये देखा हमारा सेट आपको अच्छा लगा, ये ऊपर जो बनाया हमने यहाँ से देखिए. और कोई हमारे दोस्त जो अरे यार आपने बताया नहीं अपने बारे में. भाई साहब विशाल आप क्या करते हैं? मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ. अच्छा आपका फोन नंबर क्या है? 865. विशाल जी शुरू भी हो गए आप तो. पहले 3 डिजिट काफी है, उसी से कर लेंगे हम. जो भी शादी हो गई विशाल जी आपकी? हाँ शादी हो गई. फिर नंबर क्यों बता रहे थे? टाइम पास के लिए. तो आप टाइम पास करें तो हम क्या गर्मी की छुट्टियों बाहर गए हुए हैं, नहीं कर सकते. विशाल जी एक बार बताइए, जनरल नॉलेज का सवाल है. हाँ. हमारी जोड़ी कैसी लग रही है? एकदम फर्स्ट क्लास. हैं? फर्स्ट क्लास. शाबाश. इनको प्लीज 1100 रुपए का इनाम दिया जाए. शुक्रिया. शुक्रिया विशाल जी. थैंक यू जी. और कोई हमारे दोस्त जो सुष्मिता से बात करना चाहते हैं? जी आइए सर. हाय सर. हाय मैम. मैं अम्बाला से आया हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. मैं आपके लिए जैसे मुझे पता है कि आप सिंगल हैं, आपके लिए गाना गा के आपको इम्प्रेस करना चाहता हूँ. मैं आऊँ आपके लिए गाना? प्लीज गाइए प्लीज. मैं मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी आए हैं, वो सब गाएंगे. अच्छा जी आ जाओ. हेलो पुलिस स्टेशन. सर कुछ शरारती तत्व हमारे शो पे घुसाए हैं. अच्छा अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आओगे आप? वेरी नाइस टू मीट. तो ये दो आपके गाने में क्या करेंगे साथ में? सर ये भी मेरे साथ गाना गाएंगे और डांस करेंगे. ग्रुप डांस? हाँ जी सर. ग्रुप सॉन्ग? यस सर. जी कहाँ के रहने वाले? उल्लासनगर. इंग्लिश भी वहीं से सीखी होगी? जी जी. पर अच्छा था ये, मतलब इंग्लिश गाओ वेस्टर्न सॉन्ग गाओ लेकिन अपना जो है भारतीयता उसमें मिसिंग नहीं होनी चाहिए. ठीक है थैंक यू ब्रदर. भाई
आपके दोस्त तो वेस्टर्न सॉन्ग गा के छा गए, अब इसके ऊपर वाला क्या लेके आओगे आप? दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड आपने नहीं छोड़ी, ऐसा गाना सुनाया था खुद छोड़ के गई होगी वो। आपने आप तीनों दोस्त हैं, आप कहाँ से आए हैं? सब उलान से आप अंबाला से? ओके ओके, चलो शुक्रिया ब्रदर, वेरी नाइस यार गाइस, बहुत खुश किया आपने, काफी एंजॉय किया उन्होंने। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आ गया भाई तू, एनीवन एल्स ब्लू आइज ए प्रोटा। हाँ जी भाई साहब, शाकाल। हेलो सिद्धू सर, क्या हाल चाल है गुरु? ठीक है। हेलो कपिल सर, हेलो मैडम। मैडम मैंने पढ़ा था कि आप शेर व शायरी करते हैं, आप मेरे ऊपर भी बोल दीजिए ताकि मैं घर में जाके बोल दूं। घर में जाके किसको बोलना है? मम्मी को, पापा को। आपको इरशाद बोलना पड़ेगा। इरशाद? वाह क्या बात है। आप कहें तो कायनात की सारी खुशियां आपके तरफ मोड़ दूं। वाह वाह वाह। आप कहें तो चांद सूरज को भी तोड़ लूं। ओह 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 ओह। इतना बस है मेरी जान, या दो तीन झूठ और बोल दूं? थैंक यू मैडम। जैसे मोर बादलों को देख के खुश होता है ना, वैसे सिद्धू आपको शेर बोलते हुए देख के खुश होता है। वाह। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा ममाज भाई, आप करते क्या हैं? सर मेरा छोटा सा बिजनेस बिजनेस है। छोटा सा कहते, जेब में खोला हुआ है? क्या, किस चीज का बिजनेस है आपका? कटलरी का। हाँ जी, कटलरी का। कटलरी का? अच्छा, वो जो बर्तन यूज होते हैं? नहीं सर। हाँ, लड़कियों को ओ कान का वाली है, कटलरी की ज्वेलरी। ज्वेलरी कटलरी। कान का वाली कटलरी। लड़कियां चम्मच पहनती क्या कानों में? मैंने देखी कभी सच्ची में? कभी आपने देखा लड़की ने चम्मच पहना हो, किसी लड़की ने डोंगा रखा हो ऊपर? क्या सही में बताइए सर, मैंने नहीं कभी सुना, सीरियसली। ज्वेलरी सर। सीरियसली, इसका इसमें क्या क्या होता है, ये बिजनेस में क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं लड़कियों के लिए? क्या? कान का बिंदी। कान की बिंदी? शुगर कर, शुगर कर, उसने ये नहीं कहा नाक की कड़ची। कान की बिंदी और गले के लिए भी कोई प्लेट? कहाँ पे बिजनेस भाई साहब आपका? उल्लासनगर में सर। तो नहीं, आप वैसे ही सच्ची में ऐसे हैं कि आज सुष्मिता को ऐसे सामने देख के फंबल हो रहा है सर। अब शर्मा रहे हैं ना, लज्जा आ रही है। लज्जा? घूंघट लेके बोल दीजिए। घूंघट भी टिकने वाला नहीं है। चलिए शुक्रिया भाई साहब। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, लव यू यार, थैंक यू। अच्छा हमने सुष्मिता, एक मैंने इंटरनेट पे भी आपके बारे में काफी कुछ जानकारी प्राप्त की, उसमें सब गलत है सब। एक आई एम फाउंडेशन क्या है फिर? आई एम फाउंडेशन सही है। वो क्या है, हमारे दर्शकों को आप प्लीज बताना चाहेंगी? जी, कुछ 3-4 साल पहले मैंने एक ट्रस्ट शुरू किया जिसका नाम है आई एम फाउंडेशन। ओके। प्रेजेंटली 15 बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं, उनके सैनिटेशन, हेल्थ, उनके ईयरली डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट का ख्याल रखते हैं। जब मेरा सपना यह है कि एक दिन हर एक इंसान कहेगा कि मेरी अपनी जिंदगी में इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं कम से कम एक इंसान के साथ बांट सकूं, तो आई एम फाउंडेशन वो फाउंडेशन है जहां से हम ये सारी, ये बड़ा खूबसूरत एफर्ट है। और हम आपके पहले फैन थे, हमें आपसे और प्यार हो गया। आप बड़ा दूर क्यों बैठते हैं हमेशा जाके? मैं आपको बताऊं, मुझे भी बच्चों से बड़ा प्यार है, मुझे भी बच्चों से बड़ा प्यार है। हालांकि मेरे अपनी प्रोडक्शन हुई नहीं अभी, लेकिन मैं मोहल्ले में जितने बच्चे सबको प्यार करता रहता हूं। मैं आपको इससे मिलवाता हूं, मेरे पड़ोस में रहता है धमाका। धमाका।
तेरी गोदी टूट गई क्या? ये मैं पड़ोसी धमाका। हेलो बोलो बेटा। हेलो भाभी। बच्चे इनसेंस में सच बोल जाते। कपिल भैया बहुत अच्छे हैं, वो मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम भी देते हैं। कपिल भैया मैं अभी एक तो पोयम लिखा हूँ, क्या मैं उसको बोलूँ? हाँ बेटा बोलो ना, बोलो बोलो। ये दुनिया है एक ताला, भगवान के पास है चाबी, जो भी सुंदर लड़की दिखे वो है मेरी भाभी। किसने सिखाया? नहीं बच्चे इनोसेंस में सच बोल जाते हैं। नहीं किसी ने नहीं सिखाया, अंदर से आते हैं। कपिल भैया बहुत अच्छा डांस करते हैं, इन्होंने मुझे डांस सिखाया है। अच्छा उन्होंने सिखाया? हाँ भैया चलो ना डांस करते हैं। नहीं आज नहीं, आज मेरा व्रत है बेटा। आज आप आपको देख के शर्मा रहे हैं। शर्मा तो है ही। अगर आप भी आओगे तो वो शर्माएंगे नहीं। चलो हम लोग एक साथ डांस करते हैं। करें क्या? अब भाभी बुलाई लिया है तो डांस तो बनता है। Wait a minute. Is that Sushmita Sen? Yes. Woo-hoo! सुष्मिता सेन, ओह गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। मतलब मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं स्वयं खुद आपके सामने ऐसे खड़ी हूँ। आप बैठिए ना, आप बैठिए। मैं बैठूं? वैसे ना मुझे आपसे ना बहुत सारी ढेर सारी बातें करनी थी, लेकिन यहाँ पर एक पर्सनल प्रॉब्लम हो गई है हमारी, मैं जरा उसे सॉल्व कर लेती हूँ, हाँ फिर मैं आपसे बात करूँ। अच्छा जी जरूर। ए धमाका, तू क्या पागल है क्या? अकल कम है क्या तुझे? तू किसके घर में आके डांस कर रहा है? बिट्टू शर्मा? हाँ। तुझे पता है परसों के दिन पे हमारे पालक पनीर में से सारा पनीर चुक के कौन ले गया था? दिस गाय बिट्टू शर्मा। एक तो पालक पनीर में पनीर की जगह थर्मोकोल डाल दे, ऊपर से मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो। पालक पनीर बनाते नहीं, सुष्मिता जी मैं आपको बता रही हूँ, हम ना हमारे घर में जब भी सब्जी बनाते हैं ना तो उसका एक हूबहू डुप्लीकेट भी बनाते हैं। अच्छा। एक हमारे खाने के लिए और दूसरा ये जो पड़ोसी है इनके ले जाने के लिए। नो बिकॉज क्या है ना कि नेबर तो मतलब ये सिर्फ कहने के लिए हमारे नेबर हैं। बेसिकली नेबर, लूजर, बेगर, ऑल दीज वर्ड्स बिलोंग टू बिट्टू शर्मा। और आपको पता है देश के विभाजन के बाद टैंकर, कूलर, हिप्पो, ये वर्ड इनके हिस्से में आए थे। ए, तू क्या हंस रहा है? क्या हंस रहा है तू? मुझे पता है तेरी साइकिल जो परसों बाहर खड़ी हुई थी उसके टायर का ट्यूब निकाल के उसकी वो गुलेल बना के कौन खेल रहा था? दिस गाय बिट्टू शर्मा। अगर तूने कुछ भी ऐसा किया तो आगे से मेरे से चॉकलेट मांगना। फिर 10 रुपए दे के 200 रुपए की झूठी तारीफ करवाता है, ये ले अपने 10 रुपए। ये शी 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 शी। आपको शर्म नहीं आती इस तरह बच्चे से अपनी झूठी तारीफ करवाते हैं?
ये तो झूठी तारीफ करवाते हैं सुष्मिता जी, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं आपकी सच्ची तारीफ करना चाहूंगी, क्योंकि मैं आई एम अ बिग फैन, मैं बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। और उस टाइम से जब आप वो मिस यूनिवर्स बनी थी ना, तब मेरी उम्र थोड़ी कम थी, लेकिन मैंने देखा था। हाँ, उम्र कम थी लेकिन कमर ज्यादा थी। तो, और आपने तारीफ करवाने के लिए सिर्फ 10 रुपए दिए? नहीं, ये तो नहीं, आप और हम बाद में बात करेंगे बिट्टू। बच्चा है ना, इनोसेंस में झूठ बोल जाता है। और आपको जरा भी मैनरिज्म नहीं है ना, जरा भी मैनरिज्म नहीं है ना आपको, एक स्त्री के सामने उसके फिगर के बारे में इस तरह बात कर रहे हैं आप। फिगर नहीं होती, फिगर वो जो सुष्मिता लेके बैठी है, तेरा तो सुपर बिल्डअप एरिया विद टेरेस। जब यहाँ पर दो सौंदर्य से भरी लड़कियां एक दूसरे से बात कर रही हो ना, आई लव यू मैन, थैंक यू। तो अगर प्लीज आप बीच में नहीं करेंगे ना, तो बेटर हो जाएगा। वैसे मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ जी, वॉल्वो ट्रक के लाइक ऑलमोस्ट, या यू कैन से दैट। तो मैं इतनी बड़ी फैन हूँ कि जैसे मैं, सब जानते हैं मेरे इनबॉर्न टैलेंट के बारे में कि मैं कमाल के शेर लिखती हूँ। तो मैंने एक शेर ना आपके लिए भी लिख दिया है, तो मैं मेरा रैपचिक फिगर देख के हर लड़का हो जाता है दीवाना, मेरा रैपचिक फिगर देख के हर लड़का हो जाता है दीवाना, यहाँ कैसा लगा आपको ये बहुत ओरिजिनल था, मानना पड़ेगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे ये शेर किसी एक जोर फिल्म में नहीं था ना। नहीं, एक और यार, एक और, वन मोर शेर। बताइए। ये मजाक की बात नहीं सुष्मिता, ये सीरियसली गुलजार साहब की सीनियर मेड रह चुकी हैं। पहले तू अकेली कम थी क्या, साथ में ये लेके आई है बोनस। Talk to my tummy. वैसे अच्छा लगा आपको शेर ना? मैं बहुत अब चूंकि मैंने आपको ऐसा कमाल का इंटरनेशनल शेर सुनाया है, तो आपके तरफ से भी बनता है कि आप प्लीज मुझे थोड़ा सा ना फिटनेस पे टिप्स दे सकती हैं। मतलब मैं खुद बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, मतलब डॉक्टर जो भी कहते हैं ना, मैं वो हर वो चीज करती हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा था कि दिन में 2 घंटे ना खेलना, तो मैं पिछले 1 महीने से रोज 2 घंटा खेल रही हूँ, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। डॉक्टर ने खाने के बारे में कुछ कहा? नहीं, खाने के बारे में कुछ नहीं कहा, इसीलिए तो डॉक्टर साहब ने कहा था इनको, पता है इनको उन्होंने कहा कि आपको सुबह 2 चपातियां खानी है, रात को 2 चपातियां देनी है, तो ये कहती खाने के बाद खानी, खाने के पहले। हम इस मनुष्य को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस मनुष्य को तो आप प्लीज कुछ फिटनेस के ऊपर टिप्स दीजिए ना प्लीज। आप मतलब कैसे कैसे हो बैठे? मैं बैठ गई। देखिए, फिटनेस के लिए आप क्या करना पसंद करेंगे? कसरत। जमीन पे खड़े होकर भी कसरत होती है, आसमान से लटक के भी कर सकते हैं। आसमान से लटक के? जी, लटक तो जाएगी, लेकिन जब नीचे गिरी जमीन का क्या होगा? मैं कर देती हूँ आपके लिए। देखा आपने? प्लीज ना, मैं बस ये जानना चाहूंगी कि मतलब आप
इतनी फिट कैसे रहती हैं? मतलब आप करती क्या हैं? मैं एक बहुत ही नई किस्म की एक्सरसाइज इनफैक्ट इंडिया में लेके आ रही हूँ. उसका नाम है इनहेल, सांस लेना. और उसमें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एरियल सिल्क. तो मैं तो ये जरूर चाहूंगी कि आप पहले क्लास से आ जाएं. या तो यहीं पे क्यों ना हो जाए, यहीं पे थोड़ा हाँ, थोड़ा आप कुछ सिखा सकते हैं. यहाँ पे थोड़ी ना हो सकता है एरियल सिल्क. अरे क्यों, क्या चाहिए उसके लिए बताइए. पहले तो ये कपड़े ऐसे नहीं होने चाहिए, जूते ऐसे नहीं होने चाहिए, मेकअप नहीं होना चाहिए, स्ट्रेचेस होने चाहिए और एरियल सिल्क. सिल्क मतलब मलमल, और वो भी थोड़ी सी सिल्क हो जाए, थोड़ा सा एरियल हो जाए. आप ऐसे आके बात करते हैं तो मेरा जी करता सुन लो. इतनी रोमांटिक मोमेंट आसपास होना चाहिए, कोई नेचुरल चीजें कुछ. हाँ तो नेचुरल मेरे आसपास देखो क्या है. नहीं तो नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता वैसे बताइए आप. यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपको एरियल सिल्क चाहिए होता है जो ऊपर से नीचे तक लटके. और एरियल की बात रही तो आपको किसी ने बताया नहीं, हम बचपन से कमीने, हमने सारा अरेंजमेंट करके रखा हुआ. आपको क्या लगता है मतलब हम आपके दीवाने तो हमें आपके बारे में पता नहीं होगा. एक सेकंड, एक गिराइए जरा नीचे, खुल जा सेम से. आप हुक्म करें आप, ये देखिए अभी आपको सुष्मिता का वो रूप देखने को मिलेगा जो आपने आपसे पहले कभी नहीं देखा है. सो मेरी बीवी, जवान बीवी जो कहती है वो भी आ जाए, आपको दिखाते हैं डांस कैसे होते हैं. आइए शाबाश मंजू, चलो हम सब आपको सामने बैठ के देखेंगे. सुष्मिता, एक बार सुष्मिता के लिए जोरदार तालियां. वाओ, यो, ओके यू गाइस, थंब रूल, स्ट्रेच करना जरूरी है, मुस्कुराना जरूरी है, हेयर बैंड जरूरी है, कोई दे दें प्लीज. और म्यूजिक जरूरी है. ओए दलेर मेहंदी वाली ड्रेस. आप जो भी दिखाएंगी आयतुल्ला खलखली होगा. जो वो कर सकती सिर्फ वो ही कर सकती. That's why she's सुष्मिता सेन. कर तो मैं भी लेती, मैं करने ही वाली थी कि वो पता नहीं कहाँ चला गया, ऊपर चला गया वापस. वो यहाँ पे तो था. अच्छी बात है ना, ऊपर चला गया. तू करती कहीं से गिर जाती तो कोई और ऊपर चला जाता हम में से. But anyways, सुष्मिता थैंक यू सो मच, आप कॉमेडी नाइट्स में आई. मतलब हमारा अच्छे 6-7 महीने निकल जाएंगे. आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा यहाँ पे बहुत ज्यादा. इनफैक्ट मैं हर किसी से यही कह रही थी कि मैं इस घर में पहले क्यों नहीं आई. आई रियली शुड हैव बीन हियर मच बिफोर. आपकी सारी फैमिली, आपके नेबर्स, आपके मेहमान सब, सिद्धू जी, ऑनर्ड, आप तेरी, please. आप, I just have had a blast and आप सब ने ये एक बहुत ही memorable याददार शाम बना दी. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब. थैंक यू सुष्मिता. और मैं अब चाहूंगा कि सुष्मिता किसी भी काम को शुरू करती हैं, जब आगाज करती हैं तो उसका अंजाम भी बड़ा खूबसूरत होता है. सो मैं चाहूंगा कि शो की जो साइन ऑफ है शो को आप ही करें. आपके मुंह से बड़ा अच्छा लगे मतलब. मैं साइन ऑफ करूं? अरे वाह, आइए ना. मैं ना साइन ऑफ हो जाऊं कहीं. हाँ जी जी.
I wish you both a happy married life. Oh, nahi, nahi. Maine kaha tha sign off karna hai, mood off nahi karna hai. Maine sab kuch sikha diya hai. Ab ye bahut kaam ke hai. Really? Ji. And to the all of you, khush rahe. जब तक इंसान खुश है हर चीज मुमकिन है. अरे हर ताकत आपके पास है, भगवान आपके पास है, हम आपके पास. अरे छा गई कुड़ी. गाइस कीप वॉचिंग कॉमेडी नाइट्स विद द वन द ओनली कपिल शर्मा. हर शनिवार रविवार रात 10 बजे ओनली ऑन कलर. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.